हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज होगा पार्ट टू, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक के थ्रू आप एड कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो को और डिटेल में बनाऊं, तो इस वीडियो को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है। सो ये पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फुल इंट्रोडक्शन, फेसबुक एड कैंपेनिंग क्या क्या होता है, उसके कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन से ऑप्शंस को आपको चूज करना होता है और कौन से ऑप्शंस का क्या मीनिंग होता है। आपका अगर ऑब्जेक्टिव है फेसबुक के पोस्ट पे एंगेजमेंट लाना, आपका ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना, आपका ऑब्जेक्टिव है किसी प्रोडक्ट को सेल करना, तो आपको कौन से ऑप्शंस चूज करने चाहिए, किस ऑप्शन का क्या रीजन होता है, किस तरीके से फेसबुक इस पे काम करता है और आपके डिस्प्लेड एड किस तरीके से बाकी सबके पेजेस पे दिखते हैं, ये सारा बेसिक ओवरव्यू प्रैक्टिकली हम आज फेसबुक एड कैंपेन के थ्रू सीखने वाले हैं। और पार्ट थ्री होगा जहां पर हम प्रैक्टिकली एक एड कैंपेन क्रिएट करेंगे, जहां पर हम डीप डाइव करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जैक्टली क्या बजट, किस तरीके की इमेज, किस तरीके के ऑप्शंस को चूज करना है, कैसे आपके ऑडियंस को नैरो डाउन करना है ताकि आप कम से कम पैसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड होगा फेसबुक एड कैंपेन के रिव्यू को लेकर के, जहां पर हम सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं फेसबुक के सारे सीरीज, तो हमारा प्रीवियसली वीडियो देखें और आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इसमें कुछ करेक्शंस करने हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द डेस्कटॉप स्क्रीन, वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू फॉर अ फेसबुक एड कैंपेन क्रिएटर बिगिनिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको चैनल पर आने वाले हर वीडियो की इंस्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। ये गाइस हमारा पहला वीडियो था, जहां पर हमने बात की थी कि किस तरीके से फेसबुक आर्बिट्राज की टेक्निक्स काम करती है और किस तरीके से हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करने वाले, एक बेसिक आइडिया। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। गाइस, जब भी हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर मैं पूरे सोशल मीडिया की बात करूँ तो अराउंड टॉप नंबर वन पे आता है फेसबुक। फेसबुक आपका हर टाइप का डेटा कलेक्ट करता है, इन द सेंस आप कौन सी एड को देखने के बाद में क्लिक करते हो, कौन सी एड को देखने के बाद जस्ट लाइक करते हो, कौन से वीडियो को देखते हो, कौन से वीडियो को नहीं देखते हो, तो ये सारा डेटा होता है वो फेसबुक आपके सोशल प्रोफाइल से ट्रेस करता है। तो उसे आइडिया रहता है कि अगर मैं इस बंदे को ये ऐड क्लिक कराऊंगा या ऐड दिखाऊंगा तो डेफिनेटली वो उस पर क्लिक करेगा, अगर इस बंदे को मैं ये ऐड दिखाऊंगा तो डेफिनेटली ये सिर्फ इस पर लाइक, कमेंट और शेयर करेगा। सो ये देख पा रहे हैं आप, जैसे कि मेरा कोई मेरी वेबसाइट, जैसे मेरा फेसबुक पेज का ये होम पेज है और इस पेज पर आप देख पा रहे हैं, तो जब भी कभी कोई आपको ऐड दिखती है जहाँ पे स्पॉन्सर लिखा रहता है, तो ये वही ऐड है जो ऐड कैंपेन के थ्रू चलाई गई है। देखिए यहाँ पर ये ऐड मुझे क्यों दिख रही है, जैसे कि आपको पता है हम सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो डेफिनेटली मैं जब ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं ये चेक करता रहता हूँ कि कौन सी होस्टिंग सही है, कौन सी नहीं है, किसकी स्पीड सही है, किसकी सही नहीं है। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे साइट ग्राउंड वर्डप्रेस की ऐड दिख रही है। साइट ग्राउंड एक होस्टिंग सर्विस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ, तो इसलिए फेसबुक ने पूरी तरीके से, जब भी किसी बंदे ने कहीं पे कैंपेन चलाया तो उसने मेरा नाम नहीं दिया, लेकिन फेसबुक ने इसे मुझे यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर ये सिंपली अगर किसी चीज़ का ओवरव्यू होता जो मेरे इंटरेस्ट का नहीं होता, लेकिन जो ऐसा कंटेंट होता जो मेरा लाइक और कमेंट के लायक है, तो मैं सिर्फ उसे लाइक और कमेंट करके छोड़ देता। लेकिन साइट ग्राउंड जो कि एक होस्टिंग सर्विस है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो जब भी किसी बंदे ने इस तरीके का कैंपेन क्रिएट किया होगा कि मुझे क्लिक्स चाहिए, तो ये फेसबुक ने इसे मुझे दिखाया और ये गारंटीड है कि जब भी मुझे दिखता मैं इस पर डेफिनेटली क्लिक करता। मेरे क्लिक करने के चांसेस इस पर ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ब्लॉगिंग का बंदा हूँ जो होस्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड सर्च करता रहता हूँ। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्जैक्टली ये फेसबुक एड कैंपेन किस तरीके से काम करेगा, और सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और जब भी कोई बंदा आपकी साइट पर आता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली एड्स डिस्प्ले होगी, तो एड को क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा है और आपका एड रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। सो यहाँ पर आपको आइडिया हो चुका है। अभी गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी फेसबुक एड कैंपेन आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको या तो एक फेसबुक पेज बनाना चाहिए या फेसबुक ग्रुप। मैं सजेस्ट करूँगा आप फेसबुक पेज बनाएं, क्योंकि फेसबुक पेज, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वेबसाइट का अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ माई वेबसाइट फेसबुक पेज, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे जितने भी पोस्ट होते हैं मैं वर्डप्रेस के थ्रू ऑटो शेयर करता रहता हूँ, प्लस कुछ पोस्ट होते हैं मैं यहाँ से ही बहुत सारे ग्रुप्स में पोस्ट करता, तो ये मेरे
वेबसाइट का ही एक है, अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली गाइज इसको लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारा कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। अगर आप ब्लॉग पोस्ट को पढ़ना भूल सकते हैं, वीडियोस को देखना मिस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप यहां से आ करके भी मेरी साइट के सारे ब्लॉग पोस्ट का लेटेस्ट अपडेट ऑटो शेयरिंग मोड में यहां पे पा सकते हैं। जैसे कि देखिए कल जो मैंने पोस्ट पब्लिश किया वो यहां पे दिख रहा है। साथ ही साथ यहां पे एक वीडियो का सेक्शन होता है, जहां पर अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोज जो होते हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। बेसिकली शायद फिल्टर मुझे सेट करना पड़ेगा, सो यहां पर आपके सारे के सारे वीडियोज भी शो होते हैं। सो गाइज आपको एक फेसबुक का पेज क्रिएट करना होगा। बेसिक का फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, यू नो, आपको सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पर मैनेज पेजेस में जाना है और जो भी उसका आगे का प्रोसेस है उसके हिसाब से आप फेसबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपके पास में फेसबुक पेज है जहाँ पर एक ऑलरेडी पब्लिश पोस्ट है। अभी आपका काम क्या होता है कि उस पोस्ट को आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शेयर करना है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं फेसबुक एड कैंपेन को। तो एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि जब भी आप कोई पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो उस पोस्ट को पब्लिश करने के बाद अगर उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एक आइकन क्रिएट हो जाता है। जस्ट मिनट, इसको लोड होने दो, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली वहाँ पे एक आइकन क्रिएट हो जाता है जो होता है बूस्ट के नाम से। सो लोग क्या सोचते हैं कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बूस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मायनों में यह सही भी है, कुछ मायनों में गलत। कैसे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पेज को लोड होने देते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट दिखेगा जो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है, जिस पे ऑलरेडी एंगेजमेंट आ चुका है, जहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनिक एंगेजमेंट आ चुका है, मतलब कि लोग आते हैं जो पेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उस ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करते हैं विदाउट रनिंग एड कैंपेन। सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे पोस्ट को पब्लिश करता हूँ और उस पोस्ट को बहुत सारे उस नीच से रिलेटेड ग्रुप्स में प्रमोट कर देता हूँ, मतलब कि वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो जो जो लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली वहाँ पे आते हैं, उस पोस्ट पे क्लिक करते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं। ये सारा डेटा फेसबुक यहाँ पे टेस्ट करता है। ठीक है, ये एक पोस्ट है जो कि मैंने 20 मई को, मतलब अराउंड 5 डेज बैक में यहाँ पे पब्लिश किया था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पोस्ट में अराउंड 2363 लोगों तक ये पोस्ट पहुँचा है। और इतने लोगों तक पहुंचने के बाद में इसमें अराउंड 72 का एंगेजमेंट आया। उसको थोड़ा सा क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा दिखाता है। ये क्या हुआ कि अराउंड 2363 लोगों तक ये पहुंचा, उसमें से 30 लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया या शेयर किया। इन तीनों में से 3 एक्टिविटी हुई है, या तो किसी ने शेयर किया है, या किसी ने कमेंट किया है, या किसी ने लाइक किया। तो ये कहलाता है एंगेजमेंट, मतलब कि मेरे पोस्ट पे किसी ने कोई ना कोई रिएक्शन किया है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इस पोस्ट पे 42 लोगों ने क्लिक किया, मतलब कि यहाँ पे क्लिक करके वो मेरे वेबसाइट पे गया, तो डेफिनेटली वो ट्रैफिक मुझे जनरेट हुआ। सो ये एक ओवरऑल आइडिया है इनके हिसाब से कि 22 ने यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक किया, जो यहाँ पे लिंक दिख रही है 22 ने अदर्स, मतलब हो सकता है कि ये लिंक क्लिक किया हो तो वो 22 हो गया, 20 अदर्स, मतलब यहाँ पे किसी ने कहीं तो कुछ क्लिक किया। तो मतलब इन शॉर्ट मेरे इस पोस्ट पे ये इस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ। सो गाइज ये जो डेटा होता है वो फेसबुक दिखाता है और साथ ही साथ आपको एक पॉपअप आता रहता है कि आपका पोस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको इसको बूस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये एक पोर्टल पे मूव हो जाता है जो बेसिकली फेसबुक एड कैंपेन का ही पार्ट होता है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ से बूस्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी सजेशंस होते हैं इसके बाद जाकर के यहाँ पे पेमेंट को पे कर देते हैं। जैसे कि अब ये दिखा रहा है कितना बजट आपको देना है, आप इसको चेंजेस कर सकते हैं और सिंपली हिट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, बेसिकली ये होता है एंगेजमेंट, मतलब कि आपका पोस्ट अभी ट्रैफिक सोर्स के लिए नहीं जनरेट हो रहा है, ये कुछ लोगों तक दिखाएगा। आप सिर्फ कमेंट और शेयर चाहते हैं आपके उस पोस्ट के लिए, मतलब कि जो ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं है क्लिक के लिए, वो ज़्यादा ओरिएंटेड है लोगों तक पहुँचाने के लिए, जहाँ पर लोग शेयर कर सकते हैं उसे, उस पर कमेंट कर सकते हैं, उस पर लाइक कर सकते हैं, लेकिन उस पर क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये वो बूस्टिंग होती है, बेसिकली आपका एंगेजमेंट क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू दिस वन। आपको क्या करना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आइडिया लग गया है कि क्या होता है फेसबुक एड कैंपेन, क्यों ये क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आपको एड्स दिखती है और क्यों आपको बूस्ट पोस्ट पे क्लिक नहीं करना है। सो गाइज अगर आप इतना समझ गए तो एक चीज़ आपको पहले करनी है, वो होता है फेसबुक का पेज क्रिएट करना। आप फटाफट से अपना फेसबुक का पेज क्रिएट कर दीजिए, दैट्स हार्डली 10-15 मिनट का जॉब है। इसके बाद थोड़ा सा ये प्रोफाइल लगा दीजिए, एक डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए और हो सके तो यहाँ पे एक कवर फोटो लगा करके एकदम झक्कास वाला पेज क्रिएट कर दीजिए, मतलब कि ये आपकी परमानेंट साइट का एक पेज पोस्ट हो गया। और नए हैं तो यार डेफिनेटली मेरे इस पेज को भी लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपका पेज क्रिएट हो जाता है इसके बाद फेसबुक यहां पर एक ऑप्शन देता है, वो होता है मैनेज एड्स। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं तो ये नेविगेट हो जाता है। देखिए ये मेरा एक डमी अकाउंट है जहां मैं ये यूज नहीं करता क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट है। सो बेसिकली यहां पर क्या हो जाता है कि जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो ये नेविगेट हो जाता है फेसबुक एड मैनेजर पे। ओके,
सो ये क्या होता है अभी इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फेसबुक एड मैनेजर पे नेविगेट हो चुका है और फेसबुक एड मैनेजर बेसिकली फेसबुक का वो अकाउंट है जहाँ पर अगर आप चाहें तो बहुत सारे कैंपेन्स रन कर सकते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चला सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो आपका किया जाता है फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू। सो जस्ट वेट, मुझे एक बार वापस से उस पर मूव होना पड़ेगा। सो बेसिकली फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू अभी हम एक कैंपेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कभी भी कोई कैंपेन क्रिएट होता है तो उसके क्या क्या मैथड्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और किस ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जब तक ये पेज मूव हो, ज़्यादा लैपटॉप कल से चल रहा है क्वाइट बेटर, सो स्पीड स्लो हो रही है। सो गाइज जस्ट वेट, हम थोड़ा सा स्क्रीन पे मूव करते हैं और मूव करने के बाद में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड कैंपेन की। सो आप देख पा रहे हैं ये फेसबुक एड्स का एक सेक्शन है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें डिस्प्ले होंगे या फिर हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो फेसबुक एड अकाउंट है मेरा, मैंने इस पर क्लिक किया है। ओके, सो यहाँ पर आने के बाद में ये आपको फेसबुक एड मैनेजर के होम पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर हमें सारे ऑप्शंस को डिस्कस करना है। सो गाइज, एक कैंपेन क्या होता है? कैंपेन मतलब कि जैसे कि अभी इलेक्शन का कोई कैंपेन चल रहा है तो एक इलेक्शन का कैंपेन कुछ भी कोई भी क्रिएट करता है कि ये स्पेसिफिक पार्टी है उसको ये टारगेट अचीव करना है, तो इस तरीके से आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है। उस कैंपेन के अंदर छोटे छोटे सब सेक्शंस हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट है उसमें अलग अलग सेक्शंस है। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है कैंपेन, यहाँ पे है एड सेट और यहाँ पे है एड्स। ओके, सो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। तो कैंपेन एक टॉप लेवल हायरार्की होता है जिसके अंदर आप छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे एडसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कैंपेन चला रहा हूँ कि मेरा पोस्ट का ट्रैफिक मुझे यूएस यूके कनाडा से है, मैं दूसरा कैंपेन चला रहा हूँ जहाँ पर मैं ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरा पोस्ट का जो ट्रैफिक है वो मुझे इंडिया से है, तीसरे में मैं किसी और कंट्री से लूँगा। तो ये अलग अलग मैं स्मॉल स्मॉल जो भी है इसी कैंपेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कैंपेन्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली होता है कैंपेन जहाँ पर अलग अलग कंट्री को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसी कैंपेन की बात करूँ, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके एडसेट्स में जाता हूँ, तो एडसेट्स में ये मुझे बताएगा कि उसी कैंपेन के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक, जैसे कि मान लीजिए मैं क्रिप्टो करेंसी नीच से रिलेटेड क्रिएट करा, तो क्रिप्टो करेंसी नीच से रिलेटेड मैं कितने कैंपेन ऐसे क्रिएट कर चुका हूँ जो सेम कैंपेन के अंडर में, राइट? तो ये उसका सब सेक्शन। अभी मान लीजिए कि ये जो है इसी के अंदर मैंने तीन सब कैटेगरी बना दी। कैसे बना दी? कि मान लो कि फेसबुक को मैंने ऑप्शन दे दिए कि भाई इसी कैंपेन के अंदर मैं तीन चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसमें से कोई भी आप जाकर के आगे शेयर कर सकते हो। तो ये आ जाती है एड्स, एक कैंपेन के अंदर कितने एड्स है। जैसे कि मैंने इसको अगर रन करवाया तो इसके अंदर मैंने तीन ऐड क्रिएट किए। चीज़ें सब सेम है, मैंने इमेज चेंज कर दी। ये क्यों किए मैं, हम कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसका क्या एडवांटेज है, किसे कैसे आपको लो सीपीसी पे अच्छा खासा ट्रैफिक लाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक आइडिया हो चुका है आपको, एक कैंपेन होता है, एक एड सेट होता है और एक एड्स फॉर वन कैंपेन होता है। तो ये बेसिक चीज़ें होगी। अभी यहाँ पर हमें करना है एक कैंपेन क्रिएट, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा यहाँ पे क्रिएट पे, और क्रिएट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिक्स है, उस बेसिक्स को बहुत ही फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं वही आपका ट्रैफिक लाने में हेल्प करेंगे। सो गाइज, जब भी कोई भी आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपको इस तरीके का बेसिक स्क्रीन दिखता है। अर्लियर ये ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई किया है। आप देख पा रहे हैं कैंपेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आप सेट कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी कैंपेन क्रिएट करना है तो आपके पास ये सारे ऑप्शन होते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। ये मतलब एक तरीके का आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि आप एक्जैक्टली फेसबुक से चाहते क्या हैं, ये आपको फेसबुक को बताना होगा। देखिए सबसे पहला सेक्शन है इसमें अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या? मान लीजिए कि आप कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट नहीं है, मान लीजिए कि मेरे फेसबुक का पेज नया है, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे ब्रांड से अवेयर हों, लोग जाने कि मिस्टर व्यास आइडिया का चैनल क्या है, क्या करता है, क्या चैनल दिखाता है। तो इस तरीके से अगर मुझे मेरी ब्रांड की अवेयरनेस करनी है तो डेफिनेटली मुझे इस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए। अगर मुझे मैक्स से मैक्स लोगों तक पहुंचना है, मेरे ब्रांड को जब जस्ट उन तक पहुंचाना है, कुछ लोगों तक पहुंचाना है, आई डोंट केयर कि वो कौन से नीच से बिलोंग करते हैं, तो आपको रीच पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे इन्फो में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बेसिकली वो जब सेटअप्स करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये होता है जहाँ पर आप आपकी आइडेंटिटी, आपके ब्रांड, आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी को लोगों तक पहुँचाने की ट्राई करते हैं। तो ये पूरा सेक्शन होता है जो अवेयरनेस का होता है। लेकिन हम बात करने वाले हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाए तो ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक पेज पर आपको क्लिक्स ज़्यादा मिले, लाइक आपको वहाँ पर ज़्यादा मिले, अगर आप चाहते कि आपके फेसबुक पेज पे ज्यादा से ज्यादा या ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के जुड़े, तो आपको ये ऑप्शंस चूज करना चाहिए।
बात करते हैं कंसीडरेशंस की। अभी देखिए गाइस, इस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर हम एक एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रैफिक, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एंगेजमेंट। सो गाइस, एंगेजमेंट क्या है? जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की कि फेसबुक के अंदर जो बूस्ट का ऑप्शन होता है, जहां पर क्लिक करने से क्या आपको क्या मिलने वाला है, डेफिनेटली वहां से आपको तीन चीजें मिलने वाली है। या तो आपको कमेंट मिलेगा, या आपको लाइक मिलेगा, या आपको शेयर मिलेगा। जी हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके उस पोस्ट तक लोग पहुंचे, आपके उस पोस्ट तक बहुत सारे लोग सिर्फ उसका उस तक पहुंचे सिर्फ, और आपके लाइक कमेंट और शेयर, मतलब उसको सोशल एंगेजमेंट अगर आप ज़्यादा चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि SEO के अंदर एक प्राइम फैक्टर होता है, वो ये होता है कि जितने लोग आपके पोस्ट को ज़्यादा शेयर करते हैं या ज़्यादा लाइक करते हैं, तो फेसबुक को एक सोशल सिग्नल मिलता है, सर्च इंजन को एक सोशल सिग्नल मिलता है कि हाँ, इसके अंदर कुछ है, तभी लोग इसको कमेंट लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको SEO में हेल्प करता है। तो अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं एंगेजमेंट। अभी एंगेजमेंट किस चीज़ में इंपॉर्टेंस होता है? देखिए, एंगेजमेंट में सबसे आपको लो कॉस्ट लगती है इसके अंदर, और इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि एंगेजमेंट क्या होता है, लाइक कमेंट और शेयर के लिए शेयर करता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको CPC कम देनी पड़ती है। पर इसमें कंडीशन ये है कि आपके लिए ट्रेंडिंग ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपकी न्यूज़ की वेबसाइट है, जहाँ पर जैसे अभी करंटली इलेक्शन लोकसभा के हुए, तो आप उसको लेकर के पोस्ट बनाइए, कोई एक्साइटिंग पोस्ट बनाइए, इसका इमेज इतना स्ट्रांग हो कि सिर्फ आपको वो पोस्ट लगाना है। अगर सिर्फ आपका टारगेट है लोगों तक पहुंचा, लोग ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक कर देंगे, तो फेसबुक आपको सिर्फ इंप्रेशंस के पैसे लेता है, मतलब एक तरीके से वहाँ तक पहुँचाने के पैसे देता है। और जब भी क्लिक होता है तो बहुत ही लो CPC में आपको वो ट्रैफिक मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई हॉट न्यूज़ है या कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ है, तो आप डेफिनेटली एंगेजमेंट के थ्रू जाइए, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डेफिनेटली अगर उसका इमेज इतना अट्रैक्टिव है, तो लोग उस पर क्लिक करके साइट पर चले जाएंगे। तो अगर आपका टारगेट अगर ऐसा कुछ है, तो आप एंगेजमेंट के थ्रू जाइए। ओके, दूसरा ऐप इंस्टॉल्स, ये उन लोगों के लिए है जो अगर एडमॉब यूज़ करते हैं। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं एडमॉब क्या होगा। सो बेसिकली कैसा होता है कि अगर आप लोगों को कुछ ऐप्स हैं जिसके बारे में और भी देना चाहते हैं कि भाई ये मैंने ऐप नई लॉन्च की है, और अगर जैसे कि आपको पता है कि एडमॉब भी गूगल एडसेंस का एक पार्ट है, जब भी कोई ऐड पे जैसे कि अगर कहीं कोई ऐप है जो आपने इंस्टॉल किया, तो उस ऐप को यूज़ करते टाइम जो एड्स आती है, उसका एड्स का पैसा उस एड ऑनर को जाता है। तो डेफिनेटली वो कब जाएगा? जब वो ऐप आपने इंस्टॉल की है। तो अगर कोई बंदा है जो अपने ऐप्स का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, जैसे गेमिंग की ऐप है, अगर आप गेम में इंटरेस्टेड, आपको वो अगर ऐप दिखते, आप उस पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल करके गेम खेलना चालू करते हैं, तो ये तरीके का अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप इंस्टॉल्स के अंदर जाइए। वीडियो व्यूज़, ये गाइज उन लोगों के लिए हैं जो जैसे यूट्यूब चलाते हैं, या फिर जो भी वीडियो मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है जहां पर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंचे, लोग उसको देखें और उस पर कुछ कमेंट शेयर व्यूज़ और आपके व्यूज़ चाहिए, तो आप वीडियो व्यूज़ के अंदर जाइए। लीड जनरेशन, देखिए गाइस, ये ईमेल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है, इसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। लीड जनरेशन एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए कि मेरी कंपनी में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। मैंने आपको हायर किया और आपको बोला है कि मुझे 5 बंदे ऐसे ला के दे भाई जो मेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आप क्या कर सकते हैं? फेसबुक के पास जा सकते हैं और फेसबुक को बोल सकते हैं कि भाई मेरे को लीड जनरेशन का ये कैंपेन क्रिएट करना है। तो फेसबुक क्या करेगा, एक खुद का एक फॉर्म डिस्प्ले करता है, जब भी कोई बंदा उस ऐड पे क्लिक करता है, तो एक फॉर्म क्लिक करता है जहाँ पे उसका नाम मांगता है, उसका ईमेल एड्रेस मांगता है। ऐसे इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको कवरेज चाहिए, तो आप लीड जनरेशन के अंदर जाइए, जो भी इंश्योरेंस के लिए सर्च कर रहे हैं उनको फेसबुक पेज पर दिखेगा, बंदे उस पर क्लिक करेंगे, वो फॉर्म में डिटेल फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपके पास एक लीड जनरेट हो गया। मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जनरेट हो गया जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और ये लीड आप किसी से शेयर कर सकते हैं या फिर खुद अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया लीड जनरेशन। ये मैसेजेस, ये सेम काइंड ऑफ चीज है, बेसिकली जब भी कोई बंदा आपके इस चीज पे क्लिक करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका और उसके बीच में मैसेंजर के बीच में जो फेसबुक मैसेंजर होता है, वहां पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है और आप वहां से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो होता है ट्रैफिक। बेसिकली ट्रैफिक का मीनिंग क्या है, जैसा कि हमने बात किया साइट ग्राउंड का, इन्होंने मुझे साइट ग्राउंड की ऐड क्यों दिखाई, क्योंकि इनको पता था कि मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ट्रैफिक एक बहुत वो ऑप्शंस हैं जहाँ पर अगर आप कोई ओल्ड पोस्ट है या कोई प्रोडक्ट है या फिर आपका ब्लॉग पोस्ट है, जहाँ पर अगर आप गारंटीड क्लिक्स लाना चाहते हैं, तो ट्रैफिक एंगेजमेंट के कंपैरिजन में ट्रैफिक पे आना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी। एंगेजमेंट इज़ ऑल अबाउट लाइक सिंपली लोगों को दिखाया जाएगा, लोगों को अच्छा लगा क्लिक करके चले जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक उन्हीं लोगों को दिखाया जाएगा जो रियली उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो डेफिनेटली क्लिक्स करते हैं। मान लीजिए कि मेरे फेसबुक पेज पे जितने भी एड्स आती हैं, तो फेसबुक को पता है कि मैं किस टाइप के ऐड पे क्लिक करता हूं, तो वो जो क्लिक करने वाले लोग हैं उन्हीं तक मेरी एड्स को पहुंचाएगा। और इसको कौन कौन से लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, वो हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको नैरो डाउन करना है, जिससे कि और क्लिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। नैरो डाउन कैसे करते हैं ऑडियंसेस को? सो गाइज, ये है वो
आपका ऑब्जेक्टिव, हमें चाहिए हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको इसके अंदर कैंपेन क्रिएट करना है। अभी बात करते हैं कन्वर्जन्स। गाइस कन्वर्जन्स में क्या होता है, कन्वर्जन्स मतलब कि मान लो कि अगर आप वू कॉमर्स चलाते हैं आपकी वर्डप्रेस पे, वू कॉमर्स क्या होता है आई होप कि आपको आइडिया होगा। बेसिकली ये अगर आप शॉपिफाई का बिजनेस करते हैं, जहां पर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, राइट। कन्वर्जन मतलब कि रियली आपका जो कस्टमर है, जो भी व्यूअर्स है, जो भी रीडर्स है, वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कोई स्पीकर बेच रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि फेसबुक को कन्वर्जन क्रिएट करें, मतलब कि ये उन्हीं लोगों तक मेरे ऐड पहुंचाए जो डेफिनेटली उसको बाय करते हैं। मैं अभी नाइकी के शूज़ सर्च कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मुझे कल से ही नाइकी का एक स्ट्रेटजी, मैं अभी जस्ट लंदन में गया था और बेसिकली वहाँ पर जैसे मैंने नाइकी के शूज़ सर्च किए गूगल पे या इधर इधर, मैं दूसरे दिन से देख रहा, दूसरे क्या मतलब जस्ट इंस्टेंटली मैंने फेसबुक देखा, मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे नाइकी की सारी एड्स आई थी, मैंने उस पर क्लिक किया। मैं स्ट्रॉन्ग बायर्स था, मैं उसको बाय कर सकता था, वो बात अलग है, मैंने उस शॉर्ट टर्म में नहीं किया, लेकिन इस तरीके से वो कन्वर्जन आपको दिखाएगा कि जहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि लोग वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके प्रोडक्ट को बाय करें। तो अगर आप शॉपिफाई के बिजनेस में हैं, आप एफिलिएटिंग मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, तो आप डेफिनेटली कन्वर्जन को यूज़ कीजिए। थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस ही ऐसा है जहां पर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप कन्वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ आपके यूज़ का नहीं है, अभी हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो गाइज हमारे काम का है वो ट्रैफिक या फिर एंगेजमेंट, तो हम इन्हीं दोनों के बीच में हम वीडियो थर्ड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और हर चीज़ हम नैरो डाउन करेंगे किस तरीके से आपको एग्जैक्टली साइट पर ट्रैफिक लेकर के आना है। सो गाइज आज के वीडियो के अंदर इतना ही, बहुत सारे मैंने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की है, एक बार थोड़ा रीडिंग कीजिए, कल तक आपका फेसबुक पेज बना करके रेडी कीजिए क्योंकि हम कल करने वाले हैं ट्रैफिक जनरेशन के बारे में, किस तरीके से आपकी साइट पर ट्रैफिक आएगा, कैसे आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है। सो गाइज आपके व्यूज शेयर कीजिए, गाइज कुछ गलती हो सकती है तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली हो सके तो कमेंट करके बताइए आपका एक्सपीरियंस हो उसके अंदर कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम सब मिल करके एक अच्छा सा हेल्प कर सकते हैं सबके लिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए गाइस कैसा लगा ये वीडियो, और आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।